एक क्लिक करने का यहाँ पर आपको जो है $3.50 मिल रहा है। एंड यहाँ पर कैसे आपको डॉलर बनाना है, जस्ट क्लिक करके ये वेबसाइट जो है गेट पेड टू क्लिक आपको क्लिक करने का पेमेंट देती है। डॉलर में आपका इनकम बनता है $3.5 में। आपको लाइव सो सारी चीज़ें अर्निंग करके दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें कैसे आप यहाँ से अर्निंग करेंगे, कैसे आप पेपाल में से विड्रॉल करेंगे। मिनिमम $1 विड्रॉल कर सकते हैं अपने पेपाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसी कमाल की एक पेपाल मैक मनी वेबसाइट के बारे में, जिस वेबसाइट की मदद से आप काफ़ी बढ़िया जो है पेपाल कैश कमा सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में आप अर्निंग करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस डॉलर मनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर इस तरीके की अमेजिंग वीडियोज देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर मैं पेपाल अर्निंग के एप्लीकेशन वेबसाइट के बारे में वीडियोज बनाता हूँ, बताता हूँ आपको कि आप किस तरीके से पेपाल कैश कमा सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। एंड यहाँ पर लेके चलता हूँ वेबसाइट की तरफ। एंड वेबसाइट का नाम है दोस्तों superpay.me। और इस वेबसाइट पे नॉर्मली आपको क्या काम करना होता है, कैसे अर्निंग होगी, चलिए वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे क्या क्या ऑप्शन है अर्निंग करने के, एंड उससे पहले मैं आपको बोल दूँ कि इसको आप ट्रस्ट पायलट पे चेक कर लीजिए। चलिए मैं इसको ट्रस्ट पायलट पे आपको चेक करा देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ वेबसाइट कितनी परसेंट तक जेन्युइन है, इसकी रेटिंग क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा सुपर पे, तो यहाँ पर मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ superpay.me, ठीक है। आप यहाँ पर खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, अगर से आप यहाँ पर ट्रस्ट पायलट के वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर अगर से आप लिखते हैं, सर्च करते हैं superpay.me, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रिव्यू है इसमें 4.3 स्टार मिला हुआ है। वेरीफाइड कंपनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप कैसे कमा सकते हैं। तो इसी वेबसाइट के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा कैसे अर्निंग करना है, कैसे विड्रॉल करना है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थैंक यू superpay.me, यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, उसका प्रूफ भी मतलब उसका जो रिव्यू है लोग देते हैं। तो चलिए वेबसाइट पे मैं चलता हूँ। एंड इस वेबसाइट पे दोस्तों आप अगर से $1 आप कमा लेते हो तो आप यहाँ पर अपने पेपाल में इसे कैश आउट कर सकते हो, इंस्टेंट के इंस्टेंट मतलब तुरंत आप विड्रॉल कर पाओगे, सिर्फ आपने अगर $1 भी बना लिया तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इसमें कैश आउट कर सकते हो, पेपाल में ले सकते हो, वाइज यानी बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, स्क्रीन में अमेजोन में ले सकते हो। और यहाँ पर पैसे कमाना कैसे है, चलिए उससे पहले बता दो अकाउंट बनाना कैसे है। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्लेम योर फ्री ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर आपके मतलब यहाँ पर जो है वी करेंटली डू नॉट एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम योर कंट्री, इस तरीके से मैसेज अगर आ जाता तो पहले आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है इस तरीके। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर से आप अपने यहाँ पर अगर से आप इंडिया से हैं, फिर कोई ऐसी कंट्री से हैं जिस कंट्री में ये वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करता या फिर एग्री नहीं है, मतलब अलाउ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको एक VPN वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और फ़ोन की मदद से इस वेबसाइट पर आपको अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। और एक बार आपने रजिस्टर कर लिया बस काम कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने बहुत पहले रजिस्टर करके रखा था, तो मैं इसे लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़र ID पासवर्ड डालूंगा, IMEI का कैप्चा यहाँ पर फिल करूँगा और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दूँगा। इतना काम करते यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास टोटल पेड बैलेंस यहाँ पर देख सकते हैं $1.03 का। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना हुआ है 227 पॉइंट, यहाँ पर मेरा नाम लिख के आ रहा है रियाज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ से इसे लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है अपने फ़ोन में, आपको अपने फ़ोन में एक VPN यूज़ करना है। और VPN वगैरह यूज़ करते हैं अगर तो क्या होगा कि आपका कंट्री चेंज हो जाता है, और उससे क्या होता है कि आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर से आप देखेंगे तो CPA रिसर्च का सर्वे यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपको जस्ट एक एक क्लिक करने का, यानी छोटा छोटा यहाँ पर क्लिक का यहाँ पर आपको जो है कितने डॉलर बन रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि $0.03 है, फिर $0.14 है, फिर $0.28 है, ठीक है। और कंप्लीट कैसे करना है, मान के चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर से जस्ट दिखे इसको आपको जवाब देना पड़ता है। आपको यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर आपसे सवाल पूछता है कि आपका एनुअल या फिर हाउस होल्ड इनकम क्या है, घर का कौन सा रेंज का है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आपसे पूछते हैं कि आप किस इंडस्ट्री से हैं, आपका इंडियन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो आपका होगा, तो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको डालना है जो भी आपका यहाँ पर स्टेट होगा या फिर आपका जो जहाँ से भी होंगे, जो आपका सिटी होगा, स्टेट यहाँ पर आपको नहीं डालना है, आपका सिटी डालना है, ठीक है। तो आपका जहाँ से भी है, जिस सिटी से भी है, वो डालेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। एंड इस तरीके से फिर आपसे पूछे कि आप रहते कहाँ पर हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिटी वापस से डालना है, तो चलिए वापस से मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरीके से इन सर्वेस को आपको कंप्लीट करना पड़ता है।
अभी यहाँ से पूछे कि आपका जो है एज, आपका एज मतलब बच्चे का एज क्या है, जेंडर कौन सा, इस तरीके से पूछा। तो गाइस आप अनमेरिड हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आना है आई कांट या डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, या फिर आई हैव नो चिल्ड्रन लिविंग, इस तरीके से आप डाल सकते हैं तो, या इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप करके यहाँ पर इसको आपको डन कर देना है। अभी क्या करना, देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक गलती कर देते हैं, जैसे कि मान के चले पीछे लिख देते हैं कि हाँ आप अनमेरिड हैं, एंड जब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आपके फैमिली मेंबर्स में बच्चे हैं या फिर नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पर नो करते हैं या फिर यस करते हैं। अगर से आप आपका आप खुद का आप यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन होता है, एक पूछता है कि आपके फैमिली मेंबर्स में हैं बच्चे कि नहीं, एक पूछता है कि आपके पास बच्चे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ पूछता है। तो वहाँ पर ना आपको क्या करना है, आपको नो डालना है या फिर आपका डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक छोटा छोटा सर्वे कंप्लीट करने का यहाँ पर आपको जो है $3,500 यहाँ पर मिलता है, $3,500 जस्ट एक एक सर्वे कंप्लीट करके, जो कि 6-6 मिनट में इजिली आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा सर्वे दिया गया है जो कि मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और इसमें भी सेम वही चीज़ पूछता है, मतलब कुछ डिफिकल्टीज वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि आप किस इंडस्ट्री से वर्क करते हो, तो फाइनेंस के इंडस्ट्री से मैं वर्क करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा और इसको डन कर दूंगा। आपका जो भी है वर्क वो आपने डालिए और जो डाल के रखें उसे ध्यान रखें। अभी पूछा आपका एजुकेशन क्या हुआ है, तो आपका जो भी एजुकेशन हुआ है कम्प्लीटली वो आप डालेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वगैरह हुआ है या फिर जो भी हुआ है, आपको उसको याद करके रखना है ना। आप यहाँ पर डाल दो कि आप 12th पास हो, आगे चलकर डाल दो कि आपने डिग्री की है, तो ये आपका आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे और आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद इसी तरीके से आपको चीज़ें ऐड करनी है। फिर आपका यहाँ पर पूछा कि पार्ट टाइम वर्क करते हो, फुल टाइम काम करते हो, तो अगर से आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो पार्ट टाइम डालो, फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम डालो। ठीक है, इस तरीके से इन सर्वेस को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर अपने अधिकतम कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है, अभी देखिए वापस से पूछे कि आपने स्टडी कहाँ तक की है, तो यूनिवर्सिटी डिग्री, अर्न्स डिग्री दिया हुआ है, फिर यहाँ पर मास्टर्स दिया है। ठीक है, तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो, बट आपको ध्यान देना है कि आपने जो पीछे क्वेश्चन का जवाब दिया था तो उसी हिसाब से करना। तो मैं यहाँ पर इसको ले लूँगा, ठीक है, वरना आपका गलत हो जाएगा ना, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान, बहुत ध्यान से आपको कंप्लीट करना पड़ता है। आप किस राष्ट्रीय केंद्र से हैं, किस देश से हैं, मतलब किस आपका राष्ट्र कौन सा है, तो चलिए मैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, तो मैं सीधा मुंबई डालता हूँ, शायद मुंबई आ जाए, तो हमें कंप्लीट करना है इसको। किस प्रदेश डाला, तो चलिए इंडिया डाल देते हैं, शायद इंडिया हो जाए। यहाँ पर तो चलिए कुछ भी नहीं आ रहा है, बट कोई नहीं, यहाँ पर हम नीचे सर्च करें, क्योंकि हिंदी में आ रहा है इसके लिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना कंट्री पूछ रहा है, ये आपका प्रदेश पूछ रहा है, जैसे कि आपका स्टेट जो होता है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है महाराष्ट्र, यहाँ पर मैं डाल दूंगा एंड डन कर दूंगा, क्योंकि आप फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो होगा नहीं, आप यहाँ पर स्किप करके आप डन करना है। देखिए मैं पीछे मैंने जो है 5 लाख डाला था, तो यहाँ पर भी मैं 5 लाख ही डालूंगा और इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है आपका जो है आपका सिटी पूछ रहा है, फिर आपको अपना यहाँ पर सिटी डालना है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी समय कोई सर्वे प्रोफाइल मैच के हिसाब से अभी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ समय बाद आपको ट्राई करना है, और जैसे भी कोई सर्वे अवेलेबल होता है आपके सामने आ जाएगा, और उसके बदले यहाँ पर आपको डॉलर मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि कैसे कंप्लीट किया जाता है, इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। फिर आप जब आपके आपके सर्वे जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको विड्रॉल कैश बटन पर क्लिक करना है और आप अपने पेपाल में इजिली विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर से दोस्तों जो भी आप अर्निंग करेंगे वो आप इस तरीके से मतलब इंडिया से पर्सनली आप कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के लिए तो है नहीं, लेकिन आपको एक वीपीएन यूज़ करना है एंड उसके बाद यहाँ से आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से अर्निंग करें, की अर्निंग को विड्रॉल कर लें दोस्तों। एंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।